हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी अपने भक्तों के बीच निवास करती है और इस दौरान उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। भक्तों का मानना है कि इन दिनों में माता दुर्गा की आराधना करने से वो प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। माता को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करना जरूरी होता है। इस दौरान माता रानी का खास श्रृंगार किया जाता है। ऐसे में कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि पूजा विधि विधान के साथ और सही तरीके से की जा सके। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी का 16 श्रृंगार करना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का खास महत्व होता है। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माता रानी को 16 श्रृंगार से सजाना चाहिए। इसमें क्या क्या शामिल है पहले ये जान लेते हैं। माता रानी को मेहंदी अर्पित करें, पायल से माँ के चरणों को सजाएं, गुलाब या मोगरा के फूलों से बना गजरा लगाएं, माता रानी के हाथों में लाल चूड़ियां पहनाएं, माता रानी को लाल रंग की गोटेदार चुनरी अर्पित करें, माता रानी के माथे पर लाल बिंदिया लगाएं, माता रानी के नेत्रों में काजल लगाएं, माथे पर मांग टीका सजाएं, कानों को झुमके से सजाएं, नथ लगाने से माता रानी की सुंदरता झलकती है, पांव में बिछुआ पहनाएं, माता रानी को बाजू में बाजूबंद पहनाएं, कमर में कमरबंद बांधें, माता रानी को मंगल सूत्र अर्पित करें, माता रानी की मूर्ति के वस्त्रों के लिए लाल रंग का लहंगा उत्तम है, माता रानी के चरणों में फूल अर्पित करें। माता रानी का श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले चौकी की स्थापना करें। चौकी को गंगा जल से पवित्र करें और फिर उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद माता रानी की मूर्ति को स्थापित करें और उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है और वो क्या है आइए आपको बताते हैं। माता रानी को लाल रंग बेहद पसंद है। श्रृंगार में लाल रंग का इस्तेमाल करना शुभ होता है। गुलाब या मोगरा के फूलों का प्रयोग करें क्योंकि ये माता रानी को सबसे प्रिय है। श्रृंगार करते समय काले रंग का एकदम भी इस्तेमाल ना करें। नवरात्रि माता रानी के प्रति भक्ति का प्रतीक है। माता रानी के श्रृंगार और पूजा अर्चना से भक्तों को जीवन में सुख समृद्धि और शांति मिलती है। इस साल नवरात्रि का पर्व आपके जीवन में खुशी और समृद्धि लाएगा। हम आशा करते हैं माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।